महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि आज ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के तरफ से मुंब्रा के साहिद होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। दरअसल आपको बता दें कि मुंब्रा पुलिस ने ईमेल के जरिए नुपुर शर्मा को जो है एक नोटिस भेजा है और 22 जून तक कभी भी मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उन्हें हाजिर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इमाम काउंसिल का कहना है कि आखिर इतना देर क्यों हो रही है, 22 जून का समय क्यों दिया गया है और पहले जो है उन्हें बुलाकर इसकी पूछताछ करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर इमाम काउंसिल का कहना है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की मांग है। इसलिए उन्होंने आज यहां पर और भी संस्थाओं के साथ मिलकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और ख़ास तौर पर जो जिस तरह से कानपुर में हिंसा हुई है उसको लेकर भी इमाम काउंसिल ने सवाल पैदा किया है। जो वहां पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, उसको लेकर भी इमाम काउंसिल ने सवाल पैदा किया है। और ख़ास तौर पर बताया है इमाम काउंसिल के तरफ से जो मुंब्रा कलबा के अध्यक्ष हैं मुफ्ती बासित साहब, उन्होंने कहा है कि अगर कठोर कार्रवाई नुपुर शर्मा पर नहीं होती है तो आने वाले दिनों में यानी कि 22 जून के बाद मुंब्रा से पैदल मार्च जो है कलेक्टर ऑफिस तक निकाला जाएगा। आज जो है यहाँ पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और अन्य मुस्लिम तंजीमों के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मुंब्रा कलबा के जो अध्यक्ष हैं मुफ्ती बासित साहब, उन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग आयोजित किए हुए, क्या मांग को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है, मुख्य मांगे क्या हैं आपकी जिसके जरिए आप मीडिया के माध्यम से बात रखना चाहते हैं? मुख्य मांगे संबंध पे चर्चा थी, जिसमें जो टाइम दिया गया है उस पर हमने अपने एतराज जताया है कि इतना लंबा समय उनको नहीं देना चाहिए। IPC 41 के तहत बहुत से लोगों को केस करने के लिए पुलिस स्टेशन में ला के जगह पर साइन लेके पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो नुपुर शर्मा को 22 दिन या 15 दिन का समय क्यों दिया गया? और अगर कमिश्नर या DIG के ज़रिए से इसको कैंसिल करके दोबारा नोटिस जा करके शॉर्ट टाइम में उनको अगर गिरफ्तारी हो सकती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। FIR तो 30 तारीख को दर्ज हो गई थी, आपको लगता है समन भेजने में भी काफ़ी देरी की गई? महाराष्ट्र में भी 3 FIR दर्ज हैं, पायधुनी में, मुंब्रा में, पुणे में, लेकिन जब ये मामला काफ़ी बढ़ा पार्टी ने निलंबित किया, उसके बाद फिर पुलिस भी एक्शन में नज़र आई। मुंब्रा पुलिस से हम मुसलसल संपर्क में थे, डेली डे नाइट क्या कहते हैं हमारी कॉन्टेक्ट चल रही थी और वो लोग कार्रवाई में थे। दीगर इलाके की पुलिस का हमें मालूम नहीं है, यहाँ से कार्रवाई करने में उन्होंने सुस्ती नहीं की, लेकिन उनको जो समय दिया है वो समय हमारे लिए काबिल एतराज़ है। कार्रवाई करने में कोई सुस्ती नहीं की उन्होंने, टाइम पे कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने जो लंबा समय दिया है इसके अंदर आरोपी जो है मुलजिम जो है फरार होने के लिए या रास्ते निकालने की कोशिशें कर सकता है, जिस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के माहौल को एक के बाद दीगर कुछ लोग ट्वीट करके उसका सपोर्ट कर रहे हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं, और इसकी वजह से देश का अपमान बढ़ते जा रहा है। सिर्फ हमारे नबी का अपमान नहीं है, उनकी हरकतों से देश का अपमान, देश के बड़े क्या कहते हैं उचित कुर्सी पे बैठे हुए जो हमारे अहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं, प्रधानमंत्री फलां फलां सबके ऊपर क्या कहते हैं जो टिप्पणी आ रही है उसकी सारी जिम्मेदारी नुपुर शर्मा जैसे लोगों पर होती है। इसलिए इस पर प्रशासन को सोचना चाहिए और तेज़ कार्रवाई करनी चाहिए। 22 तारीख को अगर समन के समन तक नहीं पहुंची तो आप उलेमा काउंसिल का क्या कदम होगा? इमाम काउंसिल ऑल पार्टीज की मीटिंग बुला करके बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे, लाखों लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, क्या राजनीतिक दबाव है या महाराष्ट्र सरकार विफल है इसके लिए? महाराष्ट्र सरकार इस सिलसिले में विफल नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, चूँकि दूसरे स्टेट में है। जो पुलिस मुंब्रा पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही समय मुंब्रा पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही, इसका जवाब मुंब्रा पुलिस ही दे सकती है, हमने इसलिए अपना एतराज जताया है। आपको क्या लगता है कि आपने FIR दाखिल की, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी शहरों में दंगे हो रहे हैं? हाँ, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी है साथ में और इतनी बड़ी पार्टी से जुड़ी है जो रूलिंग पार्टी है, कहीं ना कहीं इसका मसला सामने हो सकता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई में अपनी पूरी कोशिश कर रही है, उसको कानून कायदे में मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए और आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि और मसाइल पैदा ना हो मुल्क के अंदर। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटोज खाड़ी देशों में कचरे के डब्बों पर लगाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है, आपका व्यू क्या है? मैंने सिलसिले में उसका विरोध किया है। इस सिलसिले में हमने आपको बता दिया कि
ये दूसरे देशों का मसला है, वहाँ के देश में किस तरीके से उसके खिलाफ क्या कहते हैं एहतजाज हो सकता है, उन्होंने अपना एक तरीका इख्तियार किया है। हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत सी पार्टियों ने प्रधानमंत्री का, इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों के पुतले जलाए गए हैं, किसी के गले में जूतों का हाथ डाल करके वो किया गया है। वो एक तरीका है जो कानून गलत है कि सही है वो क्या कहते हैं पुलिस तय करेगी, और हम क्या कहते हैं ना तो इस तरीके की कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ़ पूरी कार्रवाई की जाए। यदि नरसिंहानंद के खिलाफ आप लोग कब तक एफआईआर दो से एक से दो दिन के अंदर आज हम जाएंगे निवेदन लेकर के, और जैसे हमको टाइम मिलता है वहाँ से अगर हाथों हाथ एफ आई आर होती है तो हम एफ आई आर कानपुर हिंसा में आरोप लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तो इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पर लगातार जो कार्रवाई हो रही है पोस्टरें लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे डरे सहमे कि फोटो देखकर सरेंडर भी कर रहे हैं। कानपुर केस के अंदर यूपी पुलिस की जो एक्शन है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो वीडियोज सामने आए हैं उस वीडियोज़ के उस पर कोई भी इंसाफ पसंद आदमी कार्रवाई को गलती बताएगा, इसलिए हमारी मांग तो यह है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और उसकी बेस पर जो रिपोर्ट आए उस पर पुलिस वहाँ पे कार्रवाई करे, अदालती निगरानी के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें आर पार्टीज़ के नुमाइंदे हों, मुस्लिम एनजीओज और नॉन मुस्लिम एनजीओज के नुमाइंदे हों, और उसके ज़रिए से पूरे मसले की छानबीन हो और उसको सामने रख करके फिर कार्रवाई की जाए, वरना ये कार्रवाई एक तरफा ही कहलाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद से ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ, तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग वहाँ पर मिली है, तो उसको लेकर इमाम काउंसिल का क्या? ज्ञानवापी का जो मसला है इस सिलसिले में हमने यहाँ पर एहतजाज भी कर चुके हैं और उस पर अपना मुद्दा रख चुके हैं। यहाँ उससे अहम और बड़ा सेंसिटिव मसला है जो हमारी बुनियादी ईमान का है, तौहीन रिसालत का, इसलिए हम ज्ञानवापी मस्जिद के मौजू पर यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मुमरा में ऑलरेडी इसके ऊपर हमारा एहतजाज हो चुका है और इस सिलसिले में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। टीवी 22 तारीख तक नहीं आएंगी तो आप लोगों का क्या व्यू रहेगा? पब्लिक आंदोलन करेंगे हम, लाखों की तादाद में रोड पर निकलेंगे। टीवी डिबेटों में कुछ मौलाना ऐसे आकर बैठते हैं जो खुद ही फजीहत कराकर चले आते हैं, उन मौलानाओं के लिए क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं उसकी निंदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और हम लोग ऐसे अपील करते हैं कि ऐसे डिबेट के अंदर जो इस्लाम के या दो कम्युनिटी के दरमियान में खाई पैदा कर सके, इख्तलाफ पैदा कर सके, ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या कहते हैं उलमा और मुस्लिम नुमाइंदे से हम अपील करते हैं कि टीवी डिबेट में न पहुँचें।